ईशा मालविया का यूट्यूब पेज, नो सॉरी नॉट यूट्यूब पेज, इंस्टाग्राम पेज, हाँ 2 दिन पहले मैं खुली थी जब वो प्रतीक्षा अजवाल के साथ उसका जो गाना है राजना वे, वो जब आए थे उसका टाइम पे मैं देख रही थी। तो कुछ लोगों का मैंने कमेंट देखा कि ईशा तुम कमाल को कुछ बोलो, क्यों कमाल को नहीं बोल रहे हो, कमाल को बोलो। मैंने सोचा भाई ये कमाल कौन है, किसके बारे में बात हो रहा है, उसके बाद मैंने उसको जाने दिया। उसके बाद मैंने थोड़ा रिसर्च किया, मैंने सोचा कि क्या हुआ है, उसको क्यों बोलेगा, क्योंकि ईशा मालविया को उतना ज्यादा कंट्रोवर्सी पे नहीं पड़ते हुए देखा है। थोड़ा बहुत बोल देती है कभी कभी, लेकिन उतना ज्यादा नहीं बोलती। उतना नहीं बोलोगे तो क्या होगा, बोलना तो पड़ता है ना कभी कभी, तो उसे लिए थोड़ा देखिए। लेकिन यहाँ पर तो भाई माजरा ही कुछ और है, ये कमाल जो है कमाल का ही कमाल कर रहा है। तो ये जो औरत है बेसिकली, ये कमाल दादी आला नाम है इनका, सो बेसिकली ये वही औरत है जो बिग बॉस 17 के टाइम ईशा के खिलाफ बहुत कुछ बोली थी, लाइक के अभिषेक के साथ रहकर अभिषेक को प्रायोरिटाइज करके ईशा के खिलाफ बोले थे कि ईशा ये है, ईशा का बॉयफ्रेंड था, ईशा का बॉयफ्रेंड छोड़ने आता था, बहुत सारा बॉयफ्रेंड था, सेट पे भी बॉयफ्रेंड था, घर पे भी बॉयफ्रेंड था, हर जगह बॉयफ्रेंड ही बॉयफ्रेंड था, मतलब लड़कों को कोई काम नहीं है, सिर्फ ईशा को ही गर्लफ्रेंड बना लेते थे, मतलब ऐसे ही कुछ उसका थॉट प्रोसेस था। तो वही औरत है जो कि अभी फिर से शुरू हुआ है और ये बहुत कुछ बोल रही है ईशा मालविया के फैंस को भी, इवन उनके मदर को भी। लेकिन क्या बोला है और क्यों ये पब्लिसिटी स्टंट है या क्यों क्या करना चाहते हैं, उसी के बारे में बहुत सारे गॉसिप लेकर आ चुकी हूँ मैं सुपर्णा आप लोगों के पास। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी भी नहीं किया हो तो, एंड फेसबुक से देख रहे हो तो लाइक फॉलो करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो चलिए बात करते हैं कमाल दादियाला के नाम से। आई एम रियली सॉरी अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ तो, क्योंकि मैंने देखा था ये नाम ही है दादियाला, कमाल दादियाला। सो चलिए बात करते हैं कि उन्होंने क्या बोला है। तो रिसेंटली उन्होंने लाइव आए, लाइव आकर तो बहुत चीख रही थी, बहुत चिल्ला रही थी, और मेरा उतना पेशेंस नहीं कि मैं किसी का चीख सुनूं, फिर भी चलो मेरा काम है तो सुनना पड़ेगा तो मैंने सुन लिया। तो वो वहां पर बोल रही है कि ईशा का मालविया जो है, ईशा मालविया जो है उनका जो फैंस है बहुत सारे उनको थ्रेट दे रहे हैं, बहुत कुछ उनको बोल रहे हैं, एंड उनके पास ऐसा कुछ चैट्स है जहां पर ईशा मालविया का जो माँ है, मम्मी जी है, उन्होंने कहा है ईशा के फैंस को कि जाओ कमाल को तुम लोग बोलो, जो मन में है बोलो। तो ये है कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर मेरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है कि अगर आपको ये ऐसा कुछ पता है तो वो चीज आप रिवील क्यों नहीं कर रहे, वो सबके सामने दिखा दो कि उनके माँ ने ये चीज कहा है। और सेकेंडली ईशा मालविया का माँ जो है वो फैन के साथ कैसे डायरेक्टली ऐसे बोलेंगे, मतलब बोलेंगे तो डायरेक्टली कुछ तो लिंकअप होगा ना। अगर सपोज कोई मैसेंजर पे बात करते तो एक दिन से बात होगा, पूरा फैन जोन से कैसे बात हो सकता है। ऐसा भी नहीं कि ईशा मालविया लाइव आकर बोलिए कि तुम लोग बोलो जो मर्जी है, तुम लोग सुनाओ, ऐसा तो ना होता है। तो ये बात हुआ है, ये बात कमाल बोला है, आप पता नहीं कौन सी बेसिस पे बोला है। लेकिन अभी जो बात सुनने में आ रहा है ये एक कॉन्ट्रोवर्सी स्टंट है। जी हाँ, लोगों का माने तो ये बात सामने आ रहा है कि बिग बॉस 18 पे जाने के लिए ये सब है, या फिर OTT4 पे जाने के लिए ये सब टारगेट है। क्योंकि सबको पता है कि आजकल का जो बिग बॉस है वो कंट्रोवर्सी से चलता है। अगर मैं जाकर रस्ते पे सड़क पे कुछ कर दिया, लोगों को थप्पड़ पप्पड़ मार दिया, थोड़ा कंट्रोवर्सी कर दिया, तो मुझे भी बुला लेंगे। तो ऐसे ही बिग बॉस का कुछ हो गया है अभी लोगों का ख्याल से, जिसके वजह से ये कमाल दादियाला जो है वो बहुत कुछ बोल रहे हैं ताकि वो सुर्खियों पे आ सके, क्योंकि वो ईशा मालविया के अगेंस्ट पे है और उनको बिग बॉस पे बुलाया जाए। और बिग बॉस जो ऐसा शो है आपको फेम देगा ही देगा, वो नेगेटिव फेम भी हो सकता है, पॉजिटिव फेम भी हो सकता है, लेकिन फेम तो आपको मिलेगा, ये कन्फर्म्ड है। अब देखते हैं क्या होता है। लेकिन कमाल दादियाला क्या बोला है, चलिए बात करते हैं। मैं वीडियो यहाँ पर दे देती लेकिन मैं नहीं दे सकती कॉपीराइट की वजह से, आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे तो मिल ही जाएगा, या फिर आप उनके पेज पे शायद है तो वहां पर जाकर देख सकते हो। तो उनका कहना यह है कि ईशा मालविया का जो रिसेंटली कोई गाना है वो 100 मिलियन हो चुका है, मुझे तो भाई इतना कुछ पता भी नहीं है, लोग आकर मुझे बोल रहे कि उसका 100 मिलियन हो गया, आपका क्या है, और आप उनसे जेलस हो, ये वो क्या मेरी उम्र की है, मैं उनसे क्यों जेलस होंगी। और भाई ईशा का भी फैन हो जो लोग, वो क्या होगा उनको बोलकर, थोड़ी ना वो सच में उनका थोड़ी ना सेम एज का होगा। अगर ये जेलसी भी है तो देखो, आप उनको जितना भड़काओगे जितना बोलोगे वो उससे उतना ज्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे, जिससे क्या होगा उनको लाइमलाइट मिलेगा, वो वायरल होंगे। क्या फायदा, क्योंकि ये जब लाइव बनाया है उन्होंने ये लाइव वायरल हुआ, तो
तो इससे क्या होगा, उनको ही फेम मिला तो लोग क्या करेंगे, इनको वायरल करेंगे। अब ये सब लोगों का क्या है, अभी क्या होता है ना कि वायरल होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव डजंट मैटर। अगर नेगेटिवली भी हो रहे हैं वायरल, भाई वायरल होने से मतलब है, वैसे से मतलब है, एकदम मैं सही बात बोल रही हूँ। तो बेटर अगर ईशा मालवीय का फैंस जो भी लोग देख रहे हो, मत जाओ, मत पड़ो पछते पे, क्योंकि ईशा इज गोइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा अपने लाइफ पे काम कर रही है, बैक टू बैक टच वुड काम आ रहा है उनके पास। तो कोई अगर पॉजिटिवली चीजों पे हैंडल कर रहे, करने दो। अगर कुछ नेगेटिव होता है बहुत ज्यादा, वो खुद ही उसको मैनेज कर लेगी, क्योंकि कमल ददियाला का कहना ये है कि वो इसके ऊपर FIR करेंगे, फलान दिकान बहुत कुछ करेंगे। अगर करते भी है तो ठीक है, मतलब अभी आजकल तो सोशल मीडिया पे एक लाइन बोलते तो उसका भी FIR ले लेते हैं, मैंने सुना है। तो या करने, छोड़ दो उनके हाल पे। तो मैं तो हर फैंस के बोलूंगी, किसी का भी फैन हो किसी के बारे में, इतना मत बोलो, थोड़ा बहुत बोलना है, फ्रस्ट्रेशन है निकाल लो, बस खत्म करो बात, उनको रहने दो उनके जोन पे। कर्मा सबको मिलेगा भाई, जो गलत करेगा गलत मिलेगा, जो सही करेगा सही मिलेगा। अभी के लिए इतना ही, जरूर आप बताना कि आपका क्या थॉट है, क्या बोलना सही है या नहीं है, जरूर कमेंट करना। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे।